सो हेलो भाई लोग, कैसे तुम लोग। वेलकम टू ऑल इन अनदर गेम प्ले वीडियो। नहीं गेम प्ले वीडियो नहीं, क्योंकि आज हम गेम प्ले वीडियो नहीं बना रहे, आज हम वीडियो बना रहे जिसमें हम नया नया मैजिक क्यूब बंडल निकालने वाले जो कि स्टोर में आया है भाई। अच्छा। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे भाई क्या क्या बंडल आया। ओ भाई साहब क्या गर्दा बंडल लगा है ये टकला देखने में। स्कल फाइटर भाई, और इसका फीमेल वाला बंडल है इधर एंशिएंट ग्लोरी और हीटेड क्रश वेनम टच। और भाई क्या क्रेजी डीजे बंडल, मतलब तुम समझ सकते हो। थोड़ा मोड़ा हकला गया था मैं तो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बाकी यहाँ पर बंडल भाई बहुत खतरनाक बंडल है। बंडल तो यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास मैजिक क्यूब है नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। वैसे हम दो निकालने वाले, तो हमारे पास यहाँ पर मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भाई 200 है। एक अच्छा। दो नहीं 200, इसमें से हम मतलब 100 का एक देता है, तो दो हम निकाल लेते हैं और हम दो बंडल को ही निकालने वाले। बाकी तुम अपना कमेंट करके जरूर बताना तुमने कौन कौन सा बंडल लिया और कितने तुमने निकाले। 1, 2, 3, 4, 5, 10 कितने निकाले हैं भाई साहब? कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो भाई अभी हम क्या करेंगे, तो चलो हमारे पास दो मैजिक क्यूब हो गया है और वहाँ पर भाई दो बचा मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट, तो हम इसमें से कौन सा बंडल निकाले तुम लोग बताओ। ये स्कल फाइटर बंडल ना थोड़ा ठीक लग रहा है, और ये एंशिएंट ग्लोरी भी ठीक लग रहा है, मतलब लड़का लड़की दोनों का ठीक लग रहा है। लेकिन वो टकला वाला में ना, वो स्कल फाइटर वाला में लड़की का ठीक नहीं लग रहा है। और इधर वेनम टच भी है, हंगर स्ट्राइक भाई इससे पहले भी आया था ना, और ये वॉयलेट फ्लेम क्रेजी डीजे। और भाई इधर वो सबसे गंदा कौन सा लगता है पता है, वो जो है ना वो वैम्पायर वाला, इतना गंदा बंडल है ना। तो मैंने सोच लिया मैंने क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है। तो भाई हम निकालेंगे पहला बंडल यही वाला निकालते हैं, क्रेजी डीजे बंडल। क्रेजी डीजे बोल रहा हूँ भाई, क्या मेरा दिमाग फिर गया। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, इसलिए तो तुम लोग वीडियो नहीं करते हो, सब्सक्राइब मार लो। हमने ये स्कल फाइटर बंडल निकाल लिया है पहला बंडल, अभी इसको साइड से हटा देते हैं और एक और बंडल निकालने वाले हैं। तो कौन सा निकालें हम, ये वाला नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, ये भाई ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, और ये वेनम टच ये दोनों मेरे पास नहीं है, तो वैसे भी फालतू है पुराना है, वैसा कुछ खास लगता नहीं है देखने में, फिर भी कोई बात नहीं है। वैम्पायर वाला भी हटाओ, हम क्या करते हैं ना एंशिएंट ग्लोरी निकाल लेते, क्योंकि एक नंबर चुम्मेश्वरी लग रहा है ये वाला बंडल देखने में। तो हम ये वाला बंडल निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये ठीक ठाक, ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, वो ब्लू निकल रहा है ना साइड से आम से उसके, इतना भयंकर लग रहा है देखने में, एकदम राजा टाइप लग रहा है। तो हमने ये वाला बंडल भी निकाल लिया, चलो अब इसको हटाते हैं एक स्क्रीनशॉट लेके। वैसे बाकी कोई खास बंडल लगा नहीं है देखने में, लेकिन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना तुमने कितने और कौन सा बंडल निकाला है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और बंडल को सब खोलते हैं। सीधा हम चलेंगे वेलरूट में और उधर से बंडल अपने निकाल लेंगे भाई। चलो ये वाला, तो सबसे पहले यही वाला ओपन करते हैं, क्या अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे ये बंडल क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं, और चलो इसको ओपन कर लिया हमने, और इसको हम पहन के देखते हैं। नहीं पहन के नहीं, पहले इसको भी ओपन कर लेते हैं, साथ में पहन के देख लेंगे दोनों को। चलो दोनों मैंने ओपन कर लिया है, अभी चलते हैं सीधा और दोनों को पहन के देखते हैं दोनों कैसा लगता है देखने में। किधर है भाई, चलो इधर है, तो पहले ये वाला पहन के देखेंगे। और यहाँ पर चलो हम जल्दी से इसको फास्ट इक्विप करते हैं। और यहाँ पर भाई साहब क्या गर्दा लग रहा है देखने में, एकदम ना बंदे देख के ना भाग जाएंगे। अभी चलते हैं दूसरा वाला ट्राई करते हैं, दूसरा वाला कैसा लगता है। तो झटक से देखो ये दूसरा वाला ऐसा लगता है एक नंबर भाई, दोनों बंडल ना एकदम मस्त है। तुम लोग को भी अगर निकालना हो तो ये दोनों में से कोई एक निकालना, दोनों बंडल एक नंबर है। अगर एक निकालना हो तो तुम वो राजा वाला निकालना। और बाकी कमेंट करके जरूर बताना तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब मार के जाना।